अस्सलामुअलैकुम माई YouTube फ़ैमिली, सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी ठीक होंगे। तो जी, ज़ायरा के स्कूल में था पर्पल डे और मेरे पास पर्पल कैजुअल में कोई भी नहीं था और ये बस एक फॉर्मल फ्रॉक पड़ा हुआ था, थोड़ा सा हैवी था लेकिन ये बिल्कुल पर्पल मैचिंग का था और ज़ायरा ने भी ज़िद पकड़ी कि मम्मा यही पहना दो। तो मैंने सोचा चले ठीक है, वैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है इस वजह से मैं अवॉइड करना चाह रही थी कि मैं ना पहनाऊँ पर्पल, लेकिन ज़ायरा ने ज़िद की तो फिर मैंने पहना दिया। इसका पर्पल डे था तो फिर वो तैयार हो चुकी थी जी। तो ज़ायरा पहुंच गई है स्कूल और उसके बाबा ने स्कूल से एक क्लिप ले ली थी इसकी पर्पल डे वाली, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐड कर दी जाए व्लॉग में। और ये ज़ायरा कुछ अपने बाबा से बात कर रही है, अल्लाह जाने क्या बातें चल रही हैं बाप बेटी में, और उसके बाबा ने एक क्लिप शूट कर ली है। और आज बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, बस क्या ही बताएं कि गर्मी का क्या आलम चल रहा है। अब्रिश कहाँ आई है? छत पे आई है, माशाल्लाह। भागो भागो भागो, खेलो 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 खेलो, उधर नहीं जाना उधर नहीं जाना अब्रिश, शाबाश, आ जाओ। मायरा पकड़ लो, ज़ायरा को पकड़ लो। माशाल्लाह, जी तो गर्मी ने किया बेहाल, ऊपर से लाइट भी चली गई है तो बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी। तो मैंने सोचा चलें छत पे चले जाते हैं। मैंने ज़ायरा के बाबा को कहा कि भाई आप आएँ और हम छत पे चलते हैं बच्चों को लेके, बच्चे बहुत ज़्यादा रो रहे हैं और ख़ास तौर पे अब्रिश बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रही थी। तो हम लोग थोड़ी देर छत पर आ गए, बहुत इंजॉय किया छत पर, हवा बहुत अच्छी चल रही थी। मायरा रानी, आपका तावीज़ कहाँ है? और आपके जो खरगोश है उसका तावीज़ कहाँ है? खरगोश का तावीज़ कहाँ है? ये किसने बनाया तावीज़? ज़ायरा। ये ज़ायरा ने तावीज़ बना दिया है? नहीं। फिर किसने बनाया? एक बाहर वाले ने। झूठ! तुम लोगों के दिमाग में कैसे आया कि इसको भी तावीज़ बना दिया है? इतनी तुम्हारे अंदर अक्ल है? मायरा क्या हुआ? क्या बता रही थी आप मुझे? अल्लाह ने बोला अल्लाह ने क्या फरमाया? डरो मत। मायरा आप बता, ज़ायरा आप बता दो। अल्लाह ताला फरमाते हैं आप डरो मत, लेकिन मैं तो सीधे डर गई थी। क्यों डर गई थी? जब अल्लाह साथ है तो फिर डरने की क्या जरूरत है? जब अल्लाह साथ होते हैं तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? जब आपको डर लगे ना, आप बोला करो अल्लाह अल्लाह अल्लाह, तो अल्लाह आपके साथ आ जाएगा, ठीक है? सही है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, सही है? अल्लाह कहते हैं डरो नहीं, मेरा नाम लो तो मैं आपको बचा लूँगा, सही है? अरे आपने क्या पहना है? टॉपी और जैकेट पहने हैं। ये पता है आपको किसका है? ये ज़ायरा आपकी छोटी थी, ज़ायरा आपकी का है, अब ज़ायरा आपकी बड़ी हो गई है तो आपने पहन लिया है, अब अब्रिश का हो गया ये। चलो अब्रिश को पहनाते हैं। वाह, अब्रिश टोपी भी पहन लो। अब्रिश टोपी नहीं पहन रहा है, आए इतनी प्यारी लग रही है। अब्रिश टोपी पहनो, अभी टोपी पहनो, सही से पहनो ना, सही से पहनो, सही से पहनो। अब्रिश टोपी सही से पहने, वाह, टोपी पहनो, टोपी पहनो। अब्रिश ने नहीं पहननी, अब्रिश की क्या मस्तियाँ चल रही हैं? अब्रिश टोपी पहनो ना, पारा लगता है गुड्डा, टोपी पहनना मेरा बच्चा, टोपी पहनना। जी तो यहीं मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ, फिर मिलेंगे नए व्लॉग के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द। आजकल गर्मी है तो कोई कुकिंग की भी वीडियो मैं शूट नहीं कर रही, दिल ही नहीं करता, बस जो बन जाता है बन जाता है। इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ मैं जल्द आऊँगी, दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़, फिर मिलेंगे।